क्या है, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2। अब आपको मैं दोबारा एक दफा एक झलक दे देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक और टॉपिक आपके लिए लाए हैं जिसमें हम लोगों ने फाइंड द एक्स करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे एक्स फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि भाई आपके पास एक्स की पावर में एक्स और फिर उसकी पावर में भी एक्स है, तो यहाँ से एक्स फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको आपके लिए ये इजी कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये सॉल्व करना आता है तो सबसे पहले आप लोग इसको बिना देखे आगे वीडियो को देखे स्टॉप कर दो, पहले सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें, फिर मैं देखूंगा कि हाँ वाकई आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और फिर अगर आप लोगों की कोई मिस्टेक हो तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एक्स को फाइंड आउट करना है। जिस तरह एक्स की पावर में एक्स है फिर उसकी पावर में एक्स है, इसी तरह कॉन्स्टेंट वैल्यू की पावर में कॉन्स्टेंट है और उसकी पावर में कॉन्स्टेंट है। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ लॉज याद करने पड़ेंगे और उसके बाद आप लोग इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आता हूं टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड एक्स करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, जब तक मैं ना बोलूं सिंप्लीफिकेशन करनी ही नहीं है। ठीक है भाई, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को छेड़ना ही नहीं है, वो इसी तरह हमारे पास चलता जाएगा, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। लेकिन राइट हैंड साइड पे पूरी सिंप्लीफिकेशन होगी और हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पे सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है। क्या सिंप्लीफिकेशन होगी कि भाई 8 है, ठीक है, 8। अब 8 की पावर में 4 है, अंडर रूट 4 है। अंडर रूट 4 किसके बराबर, यहां पे हम लोग साथ साथ करेंगे, ठीक है, अंडर रूट 4 है। वैसे अंडर रूट बराबर किसके, अंडर रूट इज इक्वल्स 1/2 है। और फिर अंडर रूट की इधर जो चीज आती है वो यहां पे आती है, ठीक है, फिर इधर जो चीज होती है मतलब चेंज होती है तो फिर वो यहां पे आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं इस ब्रैकेट को चेंज करके बड़ी ब्रैकेट डाल लूंगा कि हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख लेना है कि 1/4। बात समझ आ गई। और यहाँ पे हम लोग वो बड़ी वाली ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस स्टेप की समझ आई, हम लोगों ने रेडिकल को 1/4 में कन्वर्ट कर दिया। द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोगों ने इसकी ये करना है, उधर भी ये ऐसी ब्रैकेट डालूंगा, यहाँ पे भी ये आ जाएगा 8 की पावर 1/12। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, 8 की पावर 1/12। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो चीज होगी ना यहाँ पे वो यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, नीचे उसके आ जाएगी। अब यहाँ पे 12 था, अंडर रूट था, तो 1/12 आ जाएगा। ठीक है, पावर में चेंज हो जाएगा, 1/12 आ गया। अब उसके ऊपर वाली पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है, वो इसी तरह आ जाएगा। इधर तक समझ आएगी, ये हमारे पास होगी जी सिंप्लीफिकेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। 8 किस चीज का परफेक्ट क्यूब है, 2 का, 2.2.2 = 8। तो आप लोग इसकी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, हम लोग 8 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। ठीक है, जिस तरह बोर्ड मार्क्स सॉल्व करते हैं ना कि हम लोग ब्रैकेट वाइज काम करेंगे तो यहाँ पे भी वही है। तो 2 की पावर 3 और 1/4, फिर आपके पास ब्रैकेट लग गई, फिर आप लोग पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 8, फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 और इसकी पावर में क्या है, 1/12। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, थोड़ी ब्रैकेट बड़ी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास बात क्लियर हो सके। सही है, साथ साथ जहां से ना समझे कमेंट बॉक्स में वो जगह आप लोगों ने छोड़ देनी है, सेकंड्स के साथ लिख लेना कि सर यहां से समझ नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 1 + 3 √2, ये चीज आ गई। द नेक्स्ट स्टेप इज आपके पास क्या होगा कि ये पावर और उसके ऊपर आपने यहाँ पे एक रूल लगाना है। अब यहाँ पे आपके पास एक रूल लगेगा, ए की पावर एन और पावर में आगे एम है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर एन एम। ठीक है, ए की पावर एन एम, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, x की पावर x की पावर x उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2 और ये क्या है, अब 3 × 1/4 तो 3 × 1 = 3 और 3/4 आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई, 3/4 आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसी तरह 3 × 1/12 है, ठीक है, इसको कटिंग कर ले, 3 × 1 = 3 और ये आ जाएगा 4। तो इधर हम लोग इसकी अगली वाली रेडिकल में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया। और द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप लोग बाहर आपके पास क्या है, 4 1 + 3 √2, यहां तक समझ आ गई बात। अब यहां पे फिर वो रूल अप्लाई हो रहा है, एन और एम। अब यहां पे ऐसे मिसाल 8 2 और 1/2, तो आप 2 2 कटेंगे ना, क्योंकि 2 × 1/2 लिखे हो तो 2 2 कट जाएगा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है तो कट गया, सिंपल बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट स्टेप में आपके क्या करना है, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड को तो बिल्कुल आप लोगों ने छेड़ना ही, ठीक है, इसको भी अभी नहीं छेड़ना क्योंकि इसके अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो ये आपके पास उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई, ये आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास सिर्फ 2 बच गया और 2 की पावर में क्या है, 1
अंडर रूट टू, ठीक है, ये चीज बच गई। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? यहां पे अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लास्ट में बताइएगा, ठीक है। यहां पे लगा लेते हैं लाइन, ठीक है। इधर तक आप लोगों को इस नेक्स्ट स्टेप में थोड़ी सी बात समझने वाली है कि ये जो 2 की पावर 3/4 है, 2 की पावर 3/4, इसको मैं ऐसे करूंगा, मैं यहां पे इसलिए समझा रहा हूं, फिर वो तक आपको स्टेप वाइज समझ आए, ठीक है। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो यहां पे समझाऊंगा, जो स्टेप बड़ा होगा वो यहां पे समझेंगे, सही है। अब 2 की पावर 3/4 है, 2 3/2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि 4 किस तरह, 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.2, तो 2 2 4 बेसिस से में पावर ऐड होंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखने के बाद मैं इसको 3.2 की पावर -2 लिखूंगा। देखें इसकी ऊपर क्या है, 2 की पावर 2 है, अब 2 की पावर 2 है तो नीचे 2+ है, जब पावर बेस से ऊपर की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3.2 की पावर -2, तो हमारे पास ये नीचे प्लस हो रहा है, दोबारा इसकी फॉर्म में आएगा तो माइनस प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, ठीक है, एक्स की पावर एक्स फिर पावर एक्स इक्वल्स टू, और यहां पे आ जाएगा 2 3.2 -2, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर आपके पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट और 1+3√2, ठीक है। मैं ये ब्रैकेट इसलिए यूज करूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक है, ताकि आपकी मिक्सिंग ना हो। इधर तक समझ आ गए, अब इसके बाद इस स्टेप को मैं इधर दोबारा लिखता हूं ताकि हम लोगों को ये चीज समझ आ सके, ठीक है। x की पावर x इज इक्वल्स टू, क्या किया मैंने, 2 की पावर 3.2 की पावर -2, ठीक है। फिर पावर में क्या है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं फिर ये ना आप लोगों को नजर ही ना, ठीक है, पावर में 2 और उससे आगे पावर में क्या है, उसकी पावर में 1+3√2, ठीक है। ये चीज आ गई, ये मैंने यही स्टेप मैंने उधर ऊपर दोबारा लिख दिया, ठीक है, ताकि मैं अगला स्टेप करूं तो मुझे वहां पे नजर आ सके। यहां तक बात आपकी क्लियर होगी कि नहीं होगी? हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि दोनों की पावर्स को अलग कर लिया, सॉरी ये इसकी पावर में, ठीक है, 2 की पावर -2, ये 3 के साथ है 2 की पावर -2, ठीक है, बात समझ आ रही है। 2 की पावर 3 उसी तरह थी क्योंकि 3/4 में चेंजिंग हुई है, तो 3/4 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, हम लोग 3/4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3/4 है ना, और 3/4 का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि आपने इसी तरह लिखना है कि भाई देखिए 3 नीचे 4 है तो 2 का स्क्वायर, और जब 2 का स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, 3.2 की पावर -2, तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 वो चीज आ गई, तो 2 माइनस 2 इसकी पावर में, ये इसकी पावर है, फिर इन सब की पावर ये और इसकी पावर ये, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे, देखो ये और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा ये वाला याद रखना है, ठीक है। पावर में एन है और उसकी क्या होगा कि देखिए 2 की पावर 3.2 की पावर -2, मैंने 3/4 को कन्वर्ट कर दिया, जैसे मैंने ये दोबारा स्टेप आपके लिए लिखा कि 2 की पावर 3 को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, 2 की पावर 3/4 है, 3/4 को मैंने, इस 4 को मैंने 2/2 में लिख दिया, 2/2 को ऊपर कन्वर्ट किया, तो देखिए इस 2 की पावर -2 है और इस 2 की पावर 1+3√2 है, तो बात समझने की अब समझनी है, ठीक है। आपके पास a की पावर क्या है n डॉट a की पावर क्या है m, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी एड, पावर क्या होंगे आपस में एड, तो a n प्लस m लिख सकते हैं, अगर इस m के साथ फर्जन माइनस है तो आपके पास फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बात समझें, इस रूल को समझें, जब आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर्स एड होते हैं, लेकिन अगर किसी एक टर्म के साथ माइनस है तो वो फिर सब्ट्रैक्ट होगा। अब जैसे कि इस 2 की पावर में -2 है और इस 2 की पावर में 1+3√2 है, 1+3√2 है, तो क्या लिखेंगे, x डॉट x, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 को इधर ही रहने दे, ठीक है, ये चीज आ गई, और पावर में 2 -2 डॉट 2 की पावर में क्या है, 1+3√2, सही है, बात समझ आई हम लोग, आपको बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? अब ये इसकी पावर है, सॉरी ये मैंने ब्रैकेट यहां पर डाली, ये इसकी पावर है 2 माइनस 2 और 1+3/2 इसकी पावर, अब इन दोनों के बेसिस क्या हो गए, सेम, क्योंकि ये पावर में था वो भी पावर में ही है, तो हमारे पास बेसिस सेम है, पावर ऐड होती है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, x x और x उसी तरह आ जाएगा, ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड छेड़नी ही है, इक्वल इसी तरह 2 की पावर 3 क्या होता है 8, वैसे इसको 8 लिख भी लिया तो कोई मसला नहीं है, और आपके पास जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो ये बेसिस सेम होगी, एक होगी, पावर में क्या है 1+3√2 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस क्यों हो, क्योंकि इसके साथ पावर्स ऐड होती है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये पावर में ए पूरा पड़ा हो, ये बी है, मिसाल के तौर पे -2 ए है, ठीक है,
और 1 + 3 अंडर रूट टू क्या बी है, ठीक है, ये बी है और बेसिस में ए है, तो आप ए और बी को जब प्लस करोगे तो ए प्लस बी है, लेकिन अगर बी के साथ माइनस हो या ए के साथ माइनस हो तो माइनस के साथ वैल्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एक्स एक्स और एक्स उसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये हो जाएगा कि 2 3 उसी तरह रहेगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि 2 को रहने दे उसी तरह, तो 1 - 2 ये दोनों प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा जी -1, लेकिन -1 मैं बाद में लिख लेता हूं, बाद में लिखने से मुराद उस साइड 3√2 पॉजिटिव को हमेशा पहले लिखने की कोशिश किया करें, ठीक है। इधर तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं एक और चीज समझाता हूँ, यहाँ के बाद आपके पास वो चीज समझने वाली है, अगर नहीं समझी तो फिर क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, सही है। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखें क्या है कि आपके पास एक बात बताऊं, 2 की पावर a है, ठीक है, प्लस बी है, 2 की पावर a + b है, तो आप क्या लिख सकते 2a.2b लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जब बेसिस सेम हो गए पावर ऐड हो सकती है, तो बेसिस सेम होने ना एक पे बेस की वजह से पावर को हम लोग जुदा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है ऐड, तो हम लोग इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। आप देखिए इसकी पावर में क्या है, a - b, मिसाल a - b है ना, तो a - b है, ये a है, ये -b है, तो मैं इसको अलग अलग करूंगा, ठीक है, b के साथ माइनस आ जाएगा, तो x x और x उसी तरह आ जाएगा, 2 की पावर 3, ठीक है, और फिर 2 इसके पावर में क्या है 3√2, ये अलग हो गया, 2 की पावर -1 अलग हो गया, ठीक है, 2 की पावर -1 अलग हो गया। जैसे आप लोगों ने पावरों को जुदा किया ना, मैंने इस कॉन्सेप्ट के तहत, अब नेक्स्ट स्टेप आप देखिए क्योंकि आपके पास x की पावर x उसी तरह रहेगा। नेक्स्ट में आपके पास 2 की पावर 3 को आप 8 लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखिएगा, छोड़े, अगले स्टेप में फिर हम लोगों ने अलग करना तो फायदा नहीं है। 2 की पावर अब 3√2 को उसी तरह रहने दे, ठीक है, 2 की पावर 3, और इस 2 को नीचे ले, मतलब ये देखिए ये भी बेस है और ये भी बेस है और ये दोनों पावर है, पावर्स को ऊपर ही रहने दे और बेसिस को अलग कर ले, तो ये बेस ऊपर माइनस हो रही, नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस, इससे पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है ना, उससे भी पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है, उससे भी पिछला, तो हम लोग स्टेप वाइज आके तो जा रहे हैं लेकिन पिछले स्टेप को सेटिस्फाई करके आ रहे हैं। मैथमेटिक्स का नाम ही यही है कि आप लोग से जब पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो जाए फिर अगले स्टेप पे आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा पिछला स्टेप कैसे है, किसी रूल के तहत, किसी लॉ के तहत, कोई भी आपके पास मेथड के तहत, आप तब पिछला स्टेप सेटिस्फाई होता है, ठीक है, इस तरह नहीं कोई रूल बना होता है, और आप लोग ये मत कहिए कि भाई रूल, उन रूल्स के ऊपर भी प्रॉपर रिसर्च की गई होती है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे भी मैंने इन रूल्स के तहत, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं, अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की आपको वीडियो चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो लाजमी देखिए क्या, ताकि आप लोगों को एक्सपोनेंट के बारे में पता चल जाए, सही है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको तो इजीली समझ आ चुका होगा। अब देखिए ये इसकी पावर में मौजूद है, ये सारा कॉन्सेप्ट इसकी पावर में मौजूद है, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो ये जो 2 है ये इसकी डिवाइड की फॉर्म में लिख लूं मैं, क्या लिखूं, यहां से आगे आप लोग समझेगा, ये मैं रिमूव कर देता हूं ऊपर वाला सारा, यहां के बाद समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने इसको कैसे लेके चलना है आगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करोगे कि x की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 आ जाएगा और ऊपर पावर में अकेला बचेगा, बचने से मुराद 2 और पावर में क्या आ जाएगा 3√2, ये चीज रह गई, ये चीज बची नहीं बची। अब आपने इसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप सिर्फ बढ़ाना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक स्टेप, मैं बताऊंगा आपको क्या बढ़ाना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपके पास क्या होगा कि ये लाइन पूरी कर देते हैं, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, 2 की पावर क्या आ गया 3/2, ठीक है, उसकी पावर में क्या है 2 और उसकी पावर में क्या है 3√2, ये मैं 3√2 है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि 3√2 है, बात समझ, ये उसकी पावर में। अब मेरी कहने का मतलब है कि 3 रेडिकल में नहीं है, 3 रेडिकल से बाहर है, ये 3 रेडिकल से बाहर है, ठीक है, रेडिकल 2 है सिर्फ, यहां बात समझे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, एक्स की पावर रखी एक्स, ये चीज आ गई, नेक्स्ट में आपके पास क्या होगा कि 2 3/2, ये चीज आ गई, फिर नेक्स्ट 2, अब यहां पे एक स्टेप कर दीजिएगा कि वो ये है कि 2 को इसी तरह रहने दीजिए, हम लोग यहां पे 3 2√2/2, अब ये मत पूछिएगा सर जी ये कैसे हुआ, ये ऐसे कोई सीन है कि आपने 2 ऊपर मल्टीप्लाई भी करा लिया और 2 नीचे डिवाइड भी करा लिया, पिछला स्टेप फिर भी सेटिस्फाई हो रहा है, बात समझ आ रही है। मिसाल हम लोग क्या करते हैं, आप लोग पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ गए हैं कि आप लोग जब भी मतलब कोई इक्वेशन बनाते तो ax + b या आपको किसी 2 की जरूरत पड़ती है तो आप लोग 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करा लेते, 2 नीचे भी डिवाइड, तो ये कट के पिछला स्टेप फिर बन सकता है,
तो मैंने टू डिवाइड भी कराया और टू मल्टीप्लाई भी कराया, ठीक है। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हुआ और टू डिवाइड भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने आप समझने वाला है, ठीक है। x की पावर ये चीज आ गई, थ्री अंडर रूट टू, थ्री बाई टू ये चीज आ गई टू। अब ये थ्री अंडर रूट टू इनको अलग करें, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों करना है। ये टू इसी तरह और थ्री अंडर रूट टू, और आपके पास आगे जो है टू अंडर रूट टू वो उसी तरह दे देंगे, ठीक है। ये पावर में बातें हो रही है, एक्स की पावर, एक्स की पावर एक्स इसी तरह आ जाएगा, फिर थ्री अंडर रूट थ्री बाय टू, ये जो थ्री अंडर रूट टू बाय टू है ये टू के ऊपर ले, ठीक है, टू के ऊपर आ जाएगा थ्री अंडर रूट टू, ये इसके ऊपर, और उधर क्या बच गया टू अंडर रूट टू। अब आपने देखे ये थ्री की पावर, सॉरी यहाँ पे टू है, टू 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 मैंने ये टू है, ठीक है, ठीक है, टू की पावर थ्री बाय टू, टू की पावर थ्री बाय टू और टू अंडर रूट टू। अब टू अंडर रूट टू के साथ भी हम लोगों ने गेम करनी है, कैसे गेम करेंगे, टू अंडर रूट टू है, ठीक है। आप लोग क्या करें, टू की पावर वन है और फिर इस टू की पावर वन बाई टू लिख सकता हूँ, क्योंकि रेडिकल किसके बराबर है, वन बाई टू के बराबर है ना, रेडिकल इज इक्वल टू वन बाई टू। तो मैंने वन बाई टू और बेसिस से मैं पावर एड होंगी तो क्या होगा, पावर एड होगी वन प्लस वन बाई टू आ जाएगा। अब वन प्लस टू की पावर वन प्लस वन बाई टू है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा थ्री बाई टू। चेक कर लें, देखिए कैसे, मैं यहाँ पे करा देता हूँ, टू एलसीएम हो गया इस दूसरे के साथ, टू प्लस वन थ्री बाई टू, तो टू की पावर क्या आ गया थ्री बाई टू। इट्स में आप पीछे कैलकुलेटर पे लिख ले, कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर पे लिख के चेक करें टू अंडर रूट टू किसके बराबर है, तो टू अंडर रूट टू इज इक्वल टू टू की पावर थ्री बाई टू, तो ये भी आ गया टू की पावर थ्री बाई टू। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूँ कि x की पावर, x की पावर x उसी तरह रहेगा, यहाँ पे आ गया टू के पावर थ्री बाई टू, यहाँ पे आ गया जी टू के पावर थ्री बाई टू, यहाँ पे आ गया जी टू की पावर थ्री बाई टू, टू की पावर थ्री बाई टू, टू की पावर थ्री बाई टू, टू की पावर थ्री बाई टू। द फर्स्ट x इसके बराबर आ गया, ये सेकेंड x इसके बराबर आ गया, और थर्ड x किसके बराबर आ गया, x के। तीनों आंसर इक्वल आ गया, आगे नहीं। अब x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू टू की पावर थ्री बाई टू। अब ये मैं किस प्रूफ के तहत कह रहा हूँ आप लोग, मैं इसका प्रूफ दूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन पढ़ा होगा, b की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y, ये हम लोग प्रूफ करके आ चुके हैं। b की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y। क्यों, किस तहत कह रहे हम लोग, ये कहते हैं अगर बेसिस सेम हो तो बेसिस कट जाती है इक्वल की आर पर, ठीक है। बेसिस सेम हो इक्वल की इस साइड और दूसरी साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो बेसिस कट जाती है पावर उसका आंसर हो जाता है। x is equal to y, तो इसी तरह मैंने क्या किया कि x ये और ये कट गए, ठीक, फिर ये और ये, क्योंकि और x किसके बराबर आ गया 2 की पावर 3 by 2, क्योंकि दो तीनों इक्वल थे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है, आज के सॉल्यूशन सेट में आपके पास आंसर क्या है, x is equal to 2 की पावर 3 by 2। अब आपको मैं दोबारा एक दफा एक झलक दे देता हूं इस पूरी क्वेश्चन की, आपके पास x की पावर की पावर पावर है, फिर 4 अंडर रूट 8, 12 अंडर रूट 8, 4 1 प्लस 3 अंडर रूट 2, बात समझ रहे हैं। फिर हम लोगों ने 8 का इस पावर को चेंज किया, फिर 8 की 1 बाई 2 को चेंज किया, और ये सेम एज इट इज ऊपर वाले। हम लोग सबसे पहले बेसिक पे काम करें, बुनियाद बना रहे हैं, बुनियाद सॉल्व हो रही है, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के तहत जैसे आप लोग कहते हैं ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट के अलावा और किसी चीज को नहीं छेड़ते, यहाँ पे भी मैं सिर्फ इसी को छेड़ लो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे, फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 8 के बराबर था, 2 की पावर 3 जो है ना 8 के बराबर था, और रेडिकल को 1 बाई 12 और 1 बाई 4 में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हुआ 3 बाई अंडर रूट 4 आ गया, फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 बाई 4 और अंडर रूट 2, और फिर पावर ये एक पावर दूसरी पावर तीसरी पावर, एक पावर दूसरी पावर तीसरी पावर, एक पावर दूसरी पावर तीसरी पावर, ठीक है। ये मैंने पिछला स्टेप उधर दोबारा लिख दिया, एक पावर दूसरी पावर और तीसरी पावर, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बेसिस सेम करके वो जो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज किया, तो ये माइनस टू आपके पास क्या हो गया, माइनस टू और प्लस वन आपके पास क्या था, माइनस वन। तो मैंने ये माइनस वन बाद में लिख लिया और इसको पहले लिख लिया, ठीक है। पहले लिखने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन की, इस सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे आए हो और मेरे ख्याल में आप लोगों को कन्फ्यूजन हुई होगी। देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स को मैंने अलग कर लिया, इसमें से बेसिस सेम थे, पावर्स को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद ये बेस देखो, इसकी पावर 2 की पावर माइनस वन है। आप लोगों के पास अगर यहाँ पे जगह मैं थोड़ी सी बता दूं, ये आपके पास क्या है, ए की पावर एन डॉट ए की पावर एम, ये चीज थी, ये एक लॉ है हमारे पास, तो एन डॉट ए की पावर माइनस एम। आप पावर को नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो साइन चेंज होगा, ऊपर से नीचे लेके आएंगे तब भी साइन चेंज होगा। तो मैंने ऊपर से इसको नीचे लाया, ठीक है। नीचे लाने के बाद ये चीज होगी, फिर ये इसके नीचे, तो ये टू थ्री के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एम है ना, ये सिर्फ एन है और बाहर वन आवर एम है। अगर कटिंग नहीं हो रही तो ए की पावर एन आवर एम लिख सकते हैं ना,
तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख ली कटिंग ना होने की वजह से, ये आ गई। तो पहला तो 2 की पावर 3/2 बन गया। फिर आगे वाले को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि 3√2 जो था इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कराया और 2 को डिवाइड भी कराया, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आ गया, 2 मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हुआ। उस कॉन्सेप्ट के बाद वो सिंप्लीफिकेशन हुई, 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ। फिर यहाँ पे 3/2 बना, 3/2 को फिर अलग किया, अलग करने के बाद ये इसके साथ आ गया, तो ताकि दूसरा कॉन्सेप्ट भी सेम हो। फिर 2√2 का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये किसके बराबर है, 2 की पावर 3/2, ठीक है। ये चीज आ गई, ये चीज आने के बाद तीनों इक्वेशन सेम होने की एक्स का आंसर आ गया। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया कैसे हम लोग एक्स के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर, एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो आई होप चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक। सो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फिजान को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।